तो चलिए बनाते हैं सैंडविच। दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज छुट्टी का दिन है, आज हम घर पे बना रहे हैं सैंडविच। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे हम सैंडविच बनाते हैं। तो आज आपको भी टूर कराते हैं हमारे किचन का। पूरी तैयारी, पूरे प्रिपरेशन कर ली है। अब क्या क्या प्रिपरेशन करिए सैंडविच के लिए वो आपको बताते हैं। ये हमने इधर आलू को मैश कर लिया है, इधर हमने ले लिया है काली मिर्च पीस ली है, काला नमक ले लिया है, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, तीन तरह की सेव ली है हमने यहाँ, ये जीरावन और चाट मसाला, घी का हम इस्तेमाल करेंगे। इधर आप देखेंगे कि टमाटर, शिमला मिर्च, ककड़ी और प्याज, सैंडविच के अंदर डालने के लिए चीज़ और मायोनीज, इधर नींबू हमने काट लिए हैं, हरी चटनी घर पर बनाई है, किसान का टोमेटो केचप है और ये रेड चिली सॉस और ये है स्पेशल सैंडविच ब्रेड। तो दोस्तों मसाला हो गया है हमारा रेडी, प्रिपरेशन हो गई है पूरी, अब करते हैं सैंडविच बनाने की शुरुआत। तो चलिए बनाते हैं सैंडविच। तो ये हमारी ब्रेड है स्पेशल सैंडविच ब्रेड, इस पर आप डाल दीजिए थोड़ी सी हरी चटनी और इसको चाकू से कर लीजिए या फैला लीजिए, यह आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कई लोग डालते नहीं है। डाल लीजिए हम मसाला। देखिए हमारा मसाला हो गया है रेडी, जो हमने मैश करके मिला लिया, इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल लिए हैं। आप इसको दोस्तों, अभी अमूल की चीज़ है, हम डाल देंगे इसमें चीज़। चीज़ खोलने का तरीका देख लीजिए आप, ये एक आप पूरा भी डाल सकते हैं और अलग अलग भी डाल सकते हैं, हम इसमें एक पूरा डाल देते हैं। एक हम चीज वाला बना रहे हैं, दो बिना चीज का बना रहे हैं। लीजिए इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा जीरावन, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, और आप नींबू डाल दीजिए सैंडविच में ही, ताकि ये जो गरम होगा तो इसमें इसका स्वाद बहुत शानदार आ जाएगा। और ये आपको अगर गला ना भी आपका खराब रहता है तो गरम होने के बाद नींबू आपका गला खराब नहीं करेगा। ब्रेड होती है इस पर हम लगाएंगे बटर, हमने घी लिया है इसके लिए, आप अच्छे से इस पर घी लगा के करते हैं गैस चालू और सांचे को कर लेते हैं थोड़ा गरम फुल आंच में। तो दोस्तों सांचा हो गया है गरम, इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हिला के इसको कर देंगे हम बंद। ये देखिए सैंडविच कितना प्यारा सीखा है, ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों देखिए हमारा सैंडविच हो गया है बढ़िया रेड, ये देखिए आप। आप ऊपर से भी इसमें थोड़ा सा मसाला डाल सकते हैं।
दोस्तों अब हमारी प्रिपरेशन चल रही है चीज़ सैंडविच के लिए। तो चलिए चीज़ सैंडविच कैसे बनाते हैं वो आपको बताते हैं। हो सकता है आप कहीं जाकर खाते हो सैंडविच की शॉप पर, तो वहाँ का उनका बनाने का तरीका अलग रहता हो, लेकिन जो हम घर पर कैसे बनाकर खाते हैं वो आपको बताते हैं। तो ये ब्रेड है पापड़ वाली सैंडविच वाली, इसकी किनार हम काट देंगे ये। अब इस पर लगाएंगे हम हरी चटनी। दोस्तों घर पर बनाकर खाने का स्वाद एक अलग ही रहता है, और आप कैसा भी स्वाद होते हैं अगर आप घर पे बना रहे हो तो वो कैसा भी बने आपको अच्छा लगता है, क्योंकि तो उसमें आपकी मेहनत होती है। और अमूमन अगर आप, एक और बात बताता हूँ आपको सेविंग की, कि अमूमन आप अगर कहीं जाते हैं सैंडविच की शॉप पर या कहीं भी, तो आपको एवरेज 150 से 200 रुपये के लगभग एक सैंडविच पड़ता है। लेकिन आप इतने ही रुपये में घर में 4-5 लोग खा सकते हैं। मुश्किल से 250 या 300 रुपये का सामान आता है, तो घर में आप अगर 4-5 लोग भी हैं तो इतने रुपये में आप सैंडविच खा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने दो ब्रेड पे लगा ली है हरी चटनी, चीज़ डाल देते हैं इसमें। अब इस पे डाला थोड़ा सा ऑर्गेनो, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा डाल देंगे नींबू। दोस्तों हमने दो सैंडविच बनाए हैं अपने लिए, एक है मसाला चीज सैंडविच और एक है हमारे पास में चीज चटनी। यस, तो हम इसको करते हैं तैयार। हरी चटनी आप डाल लीजिए, केचप डाल दीजिए आपके स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा मायोनीज भी आप डाल सकते हैं। दोस्तों सैंडविच बनकर है तैयार। तो चलिए पहली बाइट लेकर देखते हैं मेहनत का फल कैसा है। अल्टीमेट दोस्तों, बता नहीं सकता आपको इतना प्यारा स्वाद है। तो चलिए ये खा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। खा क्या रहा हूँ, सैंडविच चीज़ चटनी, आनंद लीजिए। आपका भी स्वागत है, कभी इंदौर आए तो याद कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको भी मेरी ये सलाह है कि अगर आप सप्ताह में एक दिन जब भी फ्री रहते हैं तो अपने परिवार के साथ, घर के लोगों के साथ, इस तरह से कुछ भी आप हाथ बटाकर कोई काम कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। मेरी शुरू से आदत रही है सप्ताह में एक दिन जब अवकाश रहता है तो घर में कुछ ना कुछ डिशेज मैं अपने हाथों से बनाता हूँ, क्योंकि खाने पीने का शौकीन हूँ और अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ। तो इसलिए घर वालों को भी अच्छा लगता है और एक दिन अपन सबको बनाकर खिलाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और आप कुछ खाना चाहते हैं स्पेशली, या आप चाहते हैं कि कोई रेसिपी आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं वो भी आपको बना के दिखाऊँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।